हम लोग एडजेक्टिव कवर करेंगे। एडजेक्टिव पहले से ही जानते हो तुम लोग कि वो ऐसा शब्द जो मॉडिफाई करे नाउन या प्रोनाउन को। देखो, सी इज़ अ गुड टीचर, टीचर से पहले गुड है तो एडजेक्टिव हो गया। जैसे सी इज़ अ स्लिप, तो यहाँ पे स्लिप का एडजेक्टिव हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यही हुआ कि जरूरी नहीं है कि नाउन और प्रोनाउन से पहले ही केवल एडजेक्टिव आए। एडजेक्टिव में प्लेसमेंट डिफरेंट भी हो सकता है। एडजेक्टिव यहाँ पे प्रेडिकेट की तरह भी काम कर सकता है। आई रिपीट, प्रेडिकेट की तरह भी काम कर सकता है। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में बताना। दूसरा, समझे? जैसे कि सी इज़ अ स्लिप, तो यहाँ पे देखो प्रोनाउन है और स्लिप क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस तरह भी हो सकता है। ऊपर देखो, गुड टीचर है, टीचर नाउन है, नाउन से पहले भी आ सकता है। तो अभी तक तो हम लोग यही पिछले क्लास में ही बात किए थे कि जनरली लोगों को लगता है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एज अ प्रेडिकेट भी आ सकता है। उसके बाद देखो, इस पर हम लोग यही बात किए थे कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में क्या अंतर होता है। तो डिटरमाइनर का बात होगा तो हम तो पर्सनल प्रोनाउन की तरफ मूव करेंगे ही, और उसमें हमने चार जो डिवीजन बताया था तुम लोग को, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, डेट इज़ अ डिटरमाइनर, और पॉजिटिव प्रोनाउन। वो जो थर्ड वाला जो पॉजिटिव एडजेक्टिव था वही डिटरमाइनर है। यहाँ पे देख लो अंतर क्या है। तो अंतर यही है कि देखो, डिटरमाइनर ये क्या है, ये कभी चेंज ही नहीं हो सकता है, समझे? कभी नो यू कैन नॉट चेंज। जैसे कि आर्टिकल्स भी डिटरमाइनर हो सकते हैं, ए एंड द, सम, ऑल, मच, बोथ, फ्यू, ये कभी चेंज ही नहीं हो सकता है। इसमें कुछ वर्ड ऐड करके तुम चेंज नहीं कर सकते हो। दे कैन नॉट बी चेंज अनलाइक अदर एडजेक्टिव्स। जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है, बहुत सारे एग्जांपल दिया गया, देख लेना। डिटरमाइनर इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, मगर डिटरमाइनर खुद एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसमें खुद एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो नॉन और प्रोनाउन का विशेषता बताए, जैसे दिस इज माई पेन, पेन से पहले माई है तो क्या है? वो पेन का खासियत बता रहा है। जब पेन का जो खासियत बता रहा है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यही हुआ कि वो मेरा पेन है। मेरा पेन जब है तो पेन से पहले माय आया है तो क्या, उसका विशेषता बता रहा है। और माय कभी चेंज हो नहीं सकता है, यानी कि डिटरमाइनर वो एडजेक्टिव है डैट कैन नॉट बी चेंज्ड। होप्स समझ में आ रहा होगा। अब देखो, डिटरमाइनर इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, बट इट कैन नॉट बी चेंज बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रत्यय और उपसर्ग लगा के हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अनलाइक अदर एडजेक्टिव्स। सेकेंड, फर्स्ट डिफरेंस हो गया, डिटरमाइनर्स आर ऑलवेज यूज बिफोर नाउन। हाँ, डिटरमाइनर हमेशा हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर। ये अंतर है जी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, इफ बोथ यदि दोनों एक साथ आए तो कैसे पता चलेगा तुम लोग को? तो इससे पता चलेगा कि पहले एडजेक्टिव होगा, उससे पहले डिटरमाइनर होगा। जैसे एग्जांपल देखो, ही इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे ए क्या है? मैंने अभी जस्ट बोला है कि डिटरमाइनर एक आर्टिकल भी हो सकता है। तो ए क्या है यहाँ पे? डिटरमाइनर है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। और बॉय एज यूजुअल नाउन है, कॉमन नाउन। जैसे आई हैव सम कलर्ड पेंसिल, कलर क्या है? एडजेक्टिव है जी। पेंसिल क्या है? नाउन है। और कलर से पहले डिटरमाइनर क्या है? सम डिटरमाइनर है। अब ये डिफरेंस, तीन डिफरेंस है, समझ में आया? डिटरमाइनर और एडजेक्टिव के बीच में तीन डिफरेंस है। हालांकि डिटरमाइनर भी एक खुद एक एडजेक्टिव है, वो ऐसा एडजेक्टिव है जो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। और यदि प्लेसमेंट हो दो एडजेक्टिव का साथ साथ, तो हम कहेंगे पहला डिटरमाइनर है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सप्लेनेटरी एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव वही डिटरमाइनर ही है। आगे बढ़ते हैं, नंबर वन देखते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या है? कि जैसे हमने कॉमन नाउन से प्रॉपर निकाला था कि नहीं निकाला था, उसी तरह है जी। जैसे कंट्री है, कंट्री इंडिया है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, वहाँ से तुम निकाल दो, यानी कि प्रॉपर नाउन से हम डिराइव कर रहे हैं। तो इंडिया है तो इंडियन लिख दो, दिल्ली है तो दिल्ली हाइट्स लिख दो, बिहार है तो बिहारी लिख दो, बात करता हूँ। यही हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव, ठीक है, जैसे बिहार है तो बिहारी हो गया। तो ये इट इज ऑल अबाउट प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे देखो, ही इज अ बिहारी, लेट्स, ठीक है। तो क्या हो गया? ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इज क्या हो गया? तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। बिहारी क्या हो गया? तुम्हारा यही प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, समझ गया ना। अब दूसरा, एक एक चीज समझो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सिंपल, सो सिंपल, ये तुम्हारा एडजेक्टिव जो क्वालिटी को डिफाइन करता है। जैसे ऑनेस्ट मैन, इज अ ऑनेस्ट मैन, तो देख लो यहाँ पे, और देखो एन लगा कि नहीं लगा यहाँ पे, एन एन क्या है यहाँ पे? डिटरमाइनर है। यहाँ पे आर्टिकल की तरह यूज़ हो रहा है, जो कि डिटरमाइनर भी कह सकते हो यहाँ पे। सो ऑन, आगे बढ़ जाओ। थर्ड देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या होगा? जो क्वांटिटी दिखा रहा है तुम्हारा, इंडिकेट्स क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, होल, सम, इनफ, फ्यू, सफिशियंट, एडोकेट, फुल, बहुत सारे, ठीक है, तो सभी चीज़ हो सकते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखते हैं। देखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में बहुत सारा होता है। और देखो, मैंने पहला नाउन चैप्टर तुम लोगों को बताया था, तो उसमें ये भी जिक्र किया था कि कभी भी, जैसे ग्रॉस हो गया, डजन्स हो गए, है ना,
इससे पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा तो न्यूमरल एडजेक्टिव और कुछ नहीं, यही है, समझे ना बात को, यही है एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही है। अब इसमें यदि मैं तोड़ना चाहूँ तो ये तीन भाग में तोड़ सकते हैं हम लोग, डिफिनिट नंबर एडजेक्टिव, इनडिफिनिट नंबर एडजेक्टिव और तीसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव। अब देखो डिफिनिट नंबर एडजेक्टिव में क्या है कि ये एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करता है, फिर एग्जैक्ट सीक्वेंस को डिनोट करता है, जैसे 1, 2, 3 इसको हम कार्डिनल कहते हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको ऑर्डिनल कहते हैं। दूसरा इनडिफिनिट, देखो इनडिफिनिट का मतलब क्या है कि जो डिफिनिट नहीं है, पहले बता चुके क्लास में कल, ठीक है ना। देखो इसमें एनी, ऑल, फ्यू कुछ भी हो सकता है, ये क्या है, ये सभी तुम्हारा इनडिफिनिट नाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या, ईच वन एनदर, ये कहने का मतलब क्या हुआ कि ये डिपेंड करता है कि कोई वर्ड प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, लिख कैसे रहो, सेंटेंस कैसे लिख रहे हो, देखो खुद देखो, एनी, ऑल, फ्यू, ये क्या तुम्हारा प्रोनाउन भी हो सकता था, इनडिफिनिट वाला प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, देखो ईच वन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि तुम कैसे लिख रहे हो। आगे बढ़ जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यस आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। देखो सेम एग्जांपल है, दीज, डैट, दीज, दोज, सच। सिक्स्थ वन देखो, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, देखो इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, यदि मैं इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का बात करूँ तो मुझे याद आता है कि प्रोनाउन में मैंने क्या बताया था तुम लोग को, एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में मैंने बात किया था, एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या बात किया था, इंपॉर्टेंस, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बताने के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, ये गिव इंपॉर्टेंस टू नाउन, जैसे ओन, वेरी, क्वाइट, एसेट्रा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का बात करूँ तो क्वेश्चन होंगे व्हाट, हुज, वेयर, व्हिच, ये सभी तुम एज अ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हो। एट वन क्या, एक्सप्लेनेटरी एडजेक्टिव है जी, इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन कल बताए थे, फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ जब बात करोगे तो यस यू कैन यूज इट, सो व्हाट एन आइडिया, ठीक है, तो हो सकता है इसमें। नाइन नंबर देखो, पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी कि डिटरमाइनर है जी, अभी जस्ट बोले ना, आर्टिकल भी डिटरमाइनर हो सकता है, करेक्ट, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे माय हो गया, ओन, आवर हो गया, हिज हो गया, एंड सो ऑन। आगे बढ़ जाओ, अब यदि हम बात करें कुछ कुछ एग्जांपल, अब देखो कल की भी क्लास में बात किए थे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये क्या है तुम्हारा यूज़ हो सकता है प्रोनाउन की तरह भी, और यहाँ पे यदि एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा तो डिपेंड करता है कि प्लेसमेंट कैसा है उसका, नाउन के आसपास कैसा प्लेसमेंट है। तो पहले देखते कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इसका यूज़ कैसे होता है। देखो ये सभी चीज़ क्या है, हमेशा यूज़ करोगे तो हमेशा क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे, साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा तो सिंगुलर नाउन आएगा। मैंने पहले ही बोला है कि जितने भी तुम नाउन होगा, नाउन के हिसाब से वर्ब काम करेगा या फिर वर्ब के हिसाब से नाउन काम करेगा। देखो ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, देख रहे हो, ईच के बाद स्टूडेंट क्या ऐसा नहीं लगेगा, क्या लगा, स्टूडेंट, ठीक है। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स तो क्या फिर प्रोनाउन आ जाएगा वहां पे, ऑफ लग गया वहां पे, तो समझो बात को, ईच का भी यूज होता है तुम्हारा किस तरह, एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है, वो प्रोनाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है, डिपेंड करता है कैसे लिख रहे हो तुम लोग। यदि सिस्टम से कोई एक चीज़ को उठा रहे हो तो इसका मतलब क्या, वो प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और यदि हम डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया तुम्हारा वहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। देखो ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, इसका मतलब क्या हुआ, देखो गेट्स है वहाँ पे, गेट्स का मतलब क्या होता है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, V5 कुछ भी बोल दो। सेकेंड देखो, एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड, अब देखो वहाँ पे वॉज है ना, अब देखो एवरी के बाद क्या सीट है, एस नहीं लगा है, सीट है जी, सिंगुलर है, वॉज है इसका मतलब सिंगुलर वर्ब है, बात समझो यहाँ पे। नाइदर बुक इज यूजफुल, देखा नाइदर भी क्या, दोनों में से कोई एक नहीं है, तो जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स, देख लो वहाँ पे, आइदर बुक इज यूजलेस, तो नोट्स देख लो, यहीं पे लिखा गया कि इन प्रोनाउन आफ्टर नाउन और इज प्लूरल, नाइदर बुक्स वर यूजफुल, देखो तो उसमें क्या प्रोनाउन में यूज़ करेंगे तो डिफरेंट हो सकता है। आगे जाओ, आगे जाओ, अब हम लोग डिफरेंस बात करेंगे ईच और एवरी का। हाँ तू भी पूछी थी ना, किसी ने पूछा था, देखो लो यहाँ पे, यहाँ पे देखो ईच और एवरी का, पहला इसका बहुत अलग अलग केसेस है, देख लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, वहाँ पे कंसंट्रेट करो सभी। ईच देखो, यूज टू और मोर देन टू, ईच हम लोग जब यूज़ करते हैं एज ए एडजेक्टिव, ये दो या दो से अधिक के लिए यूज़ करते हैं, एवरी हमेशा मोर देन टू आता है, समझ में आए पूर्णिमा, एवरी क्या होता है, हमेशा मोर देन टू होता है। जैसे एग्जांपल देखो, एवरी स्टूडेंट गेट्स अ रिवार्ड, इसका मतलब क्या, मोर देन टू का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट अ प्राइज, देखो टू पे हमने वो कर दिया, यानी कि टू या टू से अधिक भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ईच का, मगर जब बात हो एवरी का तो एवरी इज ऑलवेज डिनोट मोर देन टू, तो एक डिफरेंस ये हो गया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉमन मतलब तुम लोग हमेशा यूज़ करते हो कॉमन एक्टिविटीज़ में इसको। सेकेंड देखो ईच और एवरी का, देखो ईच एज अ सेपरेट एक्शन तुम लोग यूज़ कर सकते हो और एवरी एज अ ग्रुप एक्शन यूज़ कर सकते हो। जैसे ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट बाय द प्रिंसिपल वन बाय वन, तो प्रत्येक स्टूडेंट को दिया गया, यानी कि सेपरेट एक्शन है। एवरी देख लो ग्रुप एक्शन, एवरी स्टूडेंट वॉज हैप्पी, सभी विद्यार्थी बहुत खुश थे, ठीक
ठीक है, क्योंकि जी कुमार उस समय आए नहीं थे क्लास में, तो समझ में आया एवरी स्टूडेंट वॉज हैप्पी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यही हुआ कि हालांकि हम यहाँ पे सिंगुलर लिखते हैं, जब डिनोट करते हैं तो प्लूरल लगता है। अब देखो ईच एंड एवरी, अब देखो इसमें अंतर क्या है जी, इसमें अंतर यही कि ईच एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है और प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है, तो इसलिए हम जब प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है तो हम ऑफ लगा सकते हैं। अभी जस्ट मैंने बोला ना सिस्टम में दिखाने के लिए यू कैन यूज़ ऑफ, मगर जब बात है एवरी का तो एवरी हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम होता है, एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ कर सकते हैं, ऑफ नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट इज़ डूइंग हिज वर्क, देखो स्टूडेंट्स लगा है तो आप कोई बोलेगा कि नहीं स्टूडेंट प्लूरल है, ऐसा कुछ नहीं है, हम स्टूडेंट के सिस्टम से एक को निकाल रहे हैं, इसलिए वहाँ पे इज़ लगा हुआ है, ठीक है। एवरी ऑफ द स्टूडेंट इज़ डूइंग हिज वर्क गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एवरी है ही नहीं प्रोनाउन तुम्हारा, समझ गए ना बात को। तो ये तुम्हारा थर्ड डिफरेंस हो गया। फोर्थ डिफरेंस देखो, बोथ ईच एंड एवरी इन वन सेंटेंस, दोनों को यूज कर सकते, जब दोनों को यूज करोगे बताओ एक तुम्हारा डिनोट कर रहा है इक्वल टू या मोर देन टू और एक डिनोट कर रहा है ऑलवेज ग्रेटर देन टू, दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन टू, मैथमेटिक्स का सिंपल तरीका है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ ईच एंड एवरी इन वन सेंटेंस डिनोट ऑलवेज मोर देन टू, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ प्राइज, इसका मतलब क्या हुआ, देखो स्टूडेंट्स है कि नहीं है वहाँ पे, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ मतलब क्या है कि ऑलरेडी तुम्हारा प्लूरल वो डिनोट कर रहा है। आगे बढ़ जाओ, तो अब बात करेंगे आइदर और बोथ के बीच में क्या डिफरेंस है। आइदर देखो वन और टू और बोथ, यानी कि दोनों में से आप देखो बोथ क्या है, थोड़ी देर में समझते हैं, अभी तक तो यही समझ रहे थे हम लोग कि आइदर का मतलब क्या था, दोनों में से कोई एक ए है तो बी नहीं होगा, बी है तो ए नहीं होगा, ठीक है। बोथ अभी थोड़ी देर में समझते हैं, बोथ का मतलब क्या, टू होता है सेकंड वाला। अब देखो आइदर बिकम्स बोथ, मगर आइदर दो बन सकता है, कब, जब एक कंप्लीमेंट हो दूसरे पार्ट का। जैसे एग्जाम्पल देखो, देयर वाज वाटर ऑन आइदर साइड ऑफ द हाईवे, यानी कि देखो एक साइड हाईवे का, एक साइड हाईवे का, दूसरा दो साइड देख लो, तो इसका सेम रिफ्लेक्शन है ना, मिरर रिफ्लेक्शन, यदि दो चीज़ सेम हो, जैसे देखो मेरा हैंड है, हाँ तो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल है ना जी, ये भी है, तो हम कह सकते हैं आइदर हैंड इज़ माय डैमेज्ड, लेट्स से, या माय आइदर हैंड इज़ मूविंग, तो हम सिंगुलर लिख के प्लूरल हम बोथ कर रहे हैं उसका, तो इस केस में आइदर कैन बी यूज टू डिनोट टू, समझ गए ना, जब कॉम्प्लीमेंट का बात होता है। तो यहाँ पे देख लो देयर वाज अ वाटर ऑन आइदर साइड ऑफ द हाईवे, इसका मतलब दोनों साइड में क्या है, वाटर है। हिज आइदर सन वेंट टू द यूएसए, हिज आइदर सन वेंट टू द यूएसए का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे आइदर के बाद सन था जी, यानी कि दोनों में से कोई एक गया। अब देखो नीचे वाला सेंटेंस, हिज बोथ सन्स वेंट टू द यूएसए, क्योंकि बोथ है मोर देन टू, टू के लिए डिनोट करता है, टू के लिए डिनोट करेगा तो वहाँ पे यू हैव टू ऐड एस। इट इज़ ऑल अबाउट आइदर और बोथ का डिफरेंस। अब देखो थर्ड देखो, लिटिल और लिटिल द लिटिल, अब देखो यहाँ पे तुमको समझना होगा कि लिटिल का मतलब होता है कि अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं हम लोग, ए लिटिल का मतलब होता है सच में बहुत कम, अ वेरी लिटिल बिट, और द लिटिल मतलब जितना है उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं था। तो एग्जांपल देखो, ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटियल बिजनेस, यानी कि बहुत कम इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, मतलब बहुत कम, लिटिल क्या, अनकाउंटेबल है जी। वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यदि ना के बराबर चांस है कि उसका रिकवरी होगा। द लिटिल मनी सी हैड वॉज स्पेंड ऑन मेडिसिन, जो कुछ भी पैसा उसके पास था उसने खर्च कर दिया मेडिसिन पे, इसका मतलब ये है, तो समझ गए ना, द लगता है जब आर्टिकल लगते हैं लिटिल से पहले तो किस तरह मूड चेंज हो जाता है सेंटेंस का, आर यू गेटिंग मी, समझ में आया। तो लिटिल क्या होता है तुम्हारा, वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, लिटिल मतलब बहुत कम, और द लिटिल मतलब जो भी है वही है। तो इसी तरह ये अनकाउंटेबल हो गया, अकाउंटेबल का बात होगा तो फ्यू में हम लोग कर सकते यही चीज़। आगे जाओ, सी टेक्स, देखो सी टेक्स लिटिल टाइम टू मेक, हाँ चलो ये हो गया, फ्यू अ फ्यू अ द फ्यू, देखो तो फ्यू ह्यूमन कैन कीप सीक्रेट, सही बात है ना, कुछ ही कर सकते हैं। उसके बाद देखो, अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, ठीक है, तो आप देखो बहुत कम कर सकते हैं, यानी कि बहुत फ्यू नंबर कर सकते हैं। अ द फ्यू मतलब क्या है, द फ्यू यूटेंसिल्स ही हैड वर टेकन बाय द थीफ, जो कुछ भी यूटेंसिल था उसके पास वो चोर लेके चला गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फिफ्थ देखो, फ्यूअर लेस और लेस, देखो फ्यूअर का मतलब क्या होता है, काउंटेबल के लिए यूज होते हैं, वही फ्यू को आगे बढ़ा दोगे तो फ्यूअर हो जाएगा। लेस क्या है, वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा, और लेसर मतलब लेस इंपॉर्टेंस, ये तीनों शब्द सो इंपॉर्टेंट, स्पेशली लेस और लेसर के बीच में क्या डिफरेंस है, दैट्स इंपॉर्टेंट टू कंसीडर। देखो फ्यूअर पर्सन वर प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस, यानी बहुत कम आदमी थे कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे। आई हैव लेस मनी, देखो मनी क्या है, मैंने बताया कि नहीं बताया नाउन चैप्टर में, मनी क्या होता है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, वहाँ से यदि पावर डिराइव करे दैट इज अ करेंसी, समझ में आया ना जी। तो वही लेस वहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैव लेस मनी टू बाय अ टीवी, देखो थर्ड वन देखो, मैनी लेसर लीडर्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी कि जो कम इंपॉर्टेंट वाले लीडर्स थे हाँ वो सब प्रेजेंट थे, तो समझ में आया तुमको पूर्णिमा,
क्या होता है लेजर का मतलब, बताओ जल्दी फटाफट हमको, व्हाट डज इट मीन? पूछेंगे कोई सर क्या होता है लेजर का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर? प्रेशर। देख लिया हम, समझ रहे हैं, बहुत खूब। मैं लेट देखी ना, देखो यहाँ पे सम लेसर पॉलिटिशियंस वर अबाउट टू स्पीक। चलो अब बात करेंगे हम लोग लेटर, लेटेस्ट और लेटर और लास्ट। देखो लेटर और लेटेस्ट ये टाइम से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, और लेटर और लास्ट ये सीक्वेंस ऑफ सिचुएशन होता है। जैसे एग्जांपल बताना चाहेंगे तुम लोग को, आई विल कम लेटर देन श्याम। देखो कंपेयर कर रहे हैं ना टाइम से रिलेटेड। दूसरा कि बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर इज स्मार्ट। राम और श्याम, लेटर किसके लिए? श्याम के लिए। फॉर्मर किसके लिए? राम। बिटवीन राम एंड श्याम द फॉर्मर इज इंटेलिजेंट, यानी कि राम के लिए फॉर्मर बोला जा रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ जाओ, फर्स्ट पर्सन लेटर वही है ऊपर जो बताए थे। दिस इज द लेटर अपडेट। आप देखो यहाँ पे क्या है, लेटर अपडेट कहाँ से आ गया बाबू? लेटेस्ट अपडेट होगा यहाँ पे, गलत है। दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। एट लास्ट द चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस। देखो लास्ट मतलब अंतिम में, ठीक है। लॉर्ड मॉर्टन वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब बात करेंगे हम लोग एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट। सो सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखो एल्डर और एल्डेस्ट फॉर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, और ओल्डर और ओल्डर्स किसी दूसरे चीज़ के लिए हो सकता है, पर्सन्स के लिए भी हो सकता है, एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हो सकता है। मैं ये हर समय ध्यान रखना कि एल्डर जब शब्द आएगा तो प्रीपोजिशन हमेशा टू ही आएगा, और जब ओल्डर आएगा तो हमेशा प्रीपोजिशन ध्यान रहेगा। ये कॉमन मिस्टेक है, जब पढ़ा रहे थे तो उस समय भी हमने बोला था ये चीज़, ठीक है। जैसे राम इज़ माई एल्डर ब्रदर, चलो ये सिंपल हो गया। आगे आगे बढ़ जाओ, राम इज ओल्डर देन सीता। देखो ओल्डर है तब ध्यान लगा, अब एल्डर आएगा तो क्या होगा, टू लग जाएगा, प्रिंस इज एल्डर टू रॉबिन। अब बात करते हैं सम और एनी में। सो इम्पॉर्टेंट, देखो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेली लाइफ में। सम और एनी के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो केस नंबर वन, सम हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में इसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं, बात समझे, दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं सम को। और दूसरा केस क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी क्वेश्चन मार्क में हम इसको एज अ कमांड भी, हाँ ऑर्डर, एज अ ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, और एज अ रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और जो कि अंडरस्टूड है कि उस चीज़ को माना जाएगा, उसको स्वीकार किया जाएगा, नहीं बोलना है किसी को। देखो वहाँ पे आई विल बाय सम बुक्स, देखो काउंटेबल है कि नहीं है। उसके बाद दे विल परचेज सम फ्रूट्स, तो फ्रूट्स क्या हुआ, अनकाउंटेबल है। विल यू गिव मी सम मिल्क, अनकाउंटेबल है। मगर देखो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है कि फॉर्मली एक्सेप्टेड है कि मिल जाएगा दूध, समझ रहे हो ना। अब एनी देखो, दूसरा देखो एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, तो ध्यान दोनों का था, ठीक है। केस टू देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, एनी हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आई डोंट हैव एनी पेंसिल, नेगेटिव है कि नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो एनी लग गया वहाँ पे। दूसरा क्या कि डिड एनी वन कम हेयर, ही हैजन परचेज एनी फ्रूट्स, देखो एनी के बाद फ्रूट्स है, ऐसा लगा कि नहीं लगा, देखो वहाँ पे, और फ्रूट्स अनकाउंटेबल है, सो ऑन। आगे बढ़ जाओ, नियर और नेक्स्ट में क्या अंतर है? नियर इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू योर डिस्टेंस, और नेक्स्ट तुम्हारा सीक्वेंस या ऑर्डर से रिलेटेड है। जैसे राम लिव्स नियर टू हिज स्कूल, तो देखो क्या क्या हुआ, डिस्टेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर ब्रदर, तो देखो सीक्वेंस है कि नहीं, ऑर्डर है ये। तो नियर और नेक्स्ट में क्या अंतर है? नियर इज ऑल अबाउट योर डिस्टेंस, नेक्स्ट इज ऑल अबाउट योर ऑर्डर और डिस्टेंस। अब सो इंपॉर्टेंट, मैनी एंड मच, जहाँ पे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल डू मिस्टेक्स। तो देख लो मच क्या है, तुम्हारा क्वांटिटी के टर्म्स में आता है यानी कि अनकाउंटेबल है, और मैनी तुम्हारा क्या, काउंटेबल है जी, बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों में, मच और मैनी, ठीक है। ये तुम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हो, तो यूज़ करते हैं। आई हैवंट मच पेशेंस, पेशेंस क्या, पेशेंस इज तुम्हारा क्या है, पेशेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। देख लो तो पेशेंस है तुम्हारा, अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले मच आ गया, होप सो समझ में आ गया होगा। हैव यू मैनी फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स क्या, अकाउंटेबल है, तो मैनी लगा वहाँ पे। अब देखो अब हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखो मच मैनी सब्जेक्टिव केस में यू कैन यूज़ इट, बस ऑब्जेक्टिव केस में तुम यूज़ नहीं कर सकते इसको। एग्जांपल देखो, मैनी पर्सन्स केम टू द टेम्पल, यस यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट, देख लो इस चीज़ को, मिस्टेक करोगे बार बार यहाँ पे,
मैनी पर्सन्स केम टू द टेम्पल। तो देखो इसमें हमने क्या बात किया है, एज अ सब्जेक्ट बात किया है, हु केम टू द टेम्पल, मैनी पर्सन्स, तो सब्जेक्ट के तौर पे तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मच मिल्क वॉज रिक्वायर्ड, यस करेक्ट है, क्योंकि मच यहाँ पे किस तरह यूज किया जा रहा है, एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है। मगर यदि तुम बोलोगे कि आई नो मैनी पर्सन्स तो गलत हो जाएगा, नो यू कांट डू इट, गलत हो जाएगा, क्योंकि मच और मैनी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आ सकता है। ऐसे आ सकता है मगर यू हैव टू ऐड सम वर्ड्स, लॉट ऑफ पर्सन्स, इस तरह। सी पुट्स मच वाटर, गलत हो जाएगा, ही बॉट मच शुगर। और ये हमेशा ध्यान रखना कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ही है जी। पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी मच और मैनी एज अ ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो सकता है, समझे बात को। तो देखो दूसरा, देखो तो ऑब्जेक्ट, तो क्या दूसरा तरीका हम लोग के पास, तो बाय एडिंग सम वर्ड्स, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ, इस तरह यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई नो लॉट्स ऑफ पर्सन्स, यस करेक्ट, ही बॉट अ प्लेंटी ऑफ शुगर, करेक्ट, ज्यादा, ठीक है। अब देखो तीसरा केस, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस मच एंड मैनी, ठीक है। अब इससे पहले देखो ऐसा भी कर सकते हो तुम लोग, सी हैज टू मैनी फ्रेंड्स, तो मैनी से पहले देखो वहाँ पे टू लगा सकते हो, यस यू कैन डू इट। आई डोंट रिमेंबर हाउ मैनी, देखो मैनी से पहले हाउ लगा दिया ना हमने, मैनी से पहले हाउ लगा दिया, तो ये भी कर सकते हो तुम लोग। यू कैन परचेस एज मैनी बुक्स एज यू वांट, तो देखो हमने कंपेयर करके लगा दिया ऐसे, इधर ध्यान दो, इधर मुझे ध्यान दो, अभी भी, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, वहाँ पे दो, होल एंड ऑल। होप सो समझ में आ गया होगा मच और मैनी में क्या अंतर है एज एडजेक्टिव। अब हम लोग बात करेंगे होल और ऑल, इसमें क्या अंतर है, इट्स सो सो इम्पॉर्टेंट, है ना। दोनों का मीनिंग एक ही है मगर उसका प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाता है। देखो केस वन देखते हैं, जब हम लोग एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, जब हम लोग एज ए एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो आर्टिकल द आना ही चाहिए। जैसे ही वेस्टेड द होल डे, देखो होल से पहले द आया कि नहीं आया, यू हैव टू यूज़ इट। आई वर्क द होल नाइट, ठीक है। अब केस टू देखो, इन केस ऑफ प्रॉपर नाउन इट मस्ट फॉलो, प्रॉपर नाउन में देखो द होल ऑफ इंडिया मॉन द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, तो देख रहे हो ये प्रॉपर नाउन में जैसे तुम्हारा क्या हो गया, अभी जस्ट बात की थी ऊपर, इसका स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा। दूसरा देखो, द होल ऑफ बिहार हैव चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एज अ नीतीश कुमार, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग ऑल का, ऑल में क्या होगा कि ऑल द होल से पहले द लग रहा था, यहाँ पे क्या होगा, ऑल के बाद द लगेगा, ये बताया था हमने क्लास में। ऑल द स्टूडेंट्स वेर हैप्पी, ऑल द पीपल वेर अगेंस्ट आरजेडी, ठीक है, आरजेडी नहीं है, अब तुम लिख दिए, इट्स फाइन, ठीक है, गलत बात है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। ऑल माई, देखो 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 ये बात समझो, सुनो ना यार, तुम हमको मरवाएगा क्या, रिकॉर्ड में है, अभी भले ही दो व्यू आता है, क्या भरोसा 20 व्यू हो जाए, ठीक है ना। हाँ उसमें एक तुम लोग का कोई चेड़ा लोग हो, पकड़ लेगा, धर लेगा यार हमको, बात समझो ना। अब देखो यहाँ पे, अब मगर यदि पॉजिटिव बात हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए तो उस समय हम द यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ऑल माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ज़बरदस्ती द मत लगाना, यहाँ पे ऑल माई फ्रेंड्स, देखो तो क्या हुआ, ऑल के बाद कहाँ द आया, नहीं आया ना जी, क्योंकि माई आ गया, यदि माई आता तो कभी द आया ही नहीं सकता है। तो ऑल माई फ्रेंड्स वेंट फॉर द पार्टी, चलो आगे बढ़ जाओ। अब बोथ का बात करेंगे, बोथ एज एन एडजेक्टिव किस तरह यूज़ करते हो, देखो देखो उस समय क्या बताए थे, हाँ उस समय बोथ हिज सन्स, अब यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ए शांत रहो, दो ध्यान दो, क्या षड्यंत्र रच रहा कान में, छोड़ दो यार, इतना हार्ड वर्ड यूज नहीं करते हैं। देखो केस वन, व्हेन इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव द शुड बी प्लेस्ड आफ्टर इट, अब देखो ए शांत रहो, देखो इसमें बात करते हैं हम लोग, एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, यू हैव टू पुट द आफ्टर बोथ। जैसे आई नो बोथ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोथ किस तरह यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। आई क्या है, हु नो, आई, तो आई सब्जेक्ट हो गया, और हमारा एक्शंस कहाँ पे पड़ रहा है, स्टूडेंट पर रहा है, तो क्या ऑब्जेक्ट हो गया। इन केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, बोथ ऑफ देम वर इन्वाइटेड, है ना, ये हम पर्सनल प्रोनाउन का बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है वहाँ पे, इसलिए बोल रहे हैं बोथ ऑफ देम वर इन्वाइटेड, सी इन्वाइटेड बोथ ऑफ अस, समझ गए ना, ये हो गया। बोथ कैन बी यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑल्सो, हो गया सी इन्वाइटेड अस बोथ, देखो सी इन्वाइटेड अस बोथ, सिंपल हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं जो पहले कर रहे थे। चलो आगे बढ़, बोथ ऑफ देम आर नॉट हियर, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि यदि नेगेटिव चीज़ हो, यदि नेगेटिव हो तो कभी भी बोथ का यूज नहीं होता है। yes, उस समय हम लोग क्या यूज करते हैं, नाइदर का यूज करते हैं। देख लो वहाँ पे, नाइदर ऑफ देम इज हियर,
अब दूसरा बात करते हैं एज, ठीक है, और सो एज. देखो एज एज क्या है तुम्हारा, ये हमेशा सिमिलरिटी को डिनोट करता है, यानी कि समानता को डिनोट करता है. दूसरा क्या है कि सो एज, ये हमेशा डिसिमिलरिटी को डिनोट करता है. जैसे ही इज एज स्मार्ट एज इज ब्रदर, दोनों कॉमन चीज़ है कि उतना ही स्मार्ट है जितना उसका ब्रदर भी है. दिस शर्ट इज नॉट सो गुड एज माइन. देखो इसमें क्या किया, कंपेयर नहीं किया, इसमें ठीक डिसिमिलरिटी दिखाया है कि यह शर्ट उतना अच्छा नहीं है जितना मेरा है. समझ गए ना, क्योंकि फैक्ट है. देखो 14 नंबर देखो, अनदर अदर और एनी अदर. मत तुम हमको हरा देगा क्योंकि वो मेरा ही है. चलो ठीक है ठीक है ठीक ठीक. जोक 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 था, जोक था. देखो पीजे था, पीजे. देखो अनदर अदर और एनी अदर, देखो इस पे बात करेंगे हम लोग. अनदर क्या है, सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग उसको. अदर को हम लोग प्लुरल नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं, और एनी अदर को हम लोग बोथ सिंगुलर और प्लुरल नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं, मगर नेगेटिव सेंस. ठीक है, तुम लोग के लिए होगा एनी अदर. ठीक है ना, तो आगे देखो, ही हैज़ परचेस्ड अनदर बुक. तो क्या हुआ, सिंगुलर हो गया. सी हैज़ विजिटेड अदर प्लेसेस, क्या हुआ, प्लुरल हो गया. आई हैवंट सीन एनी अदर प्लेस. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, समझो इंपॉर्टेंट है गधा वहाँ दे दो. तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, यहाँ पे एज अ सिंगुलर दिखाने का प्रयास किया. ए व्हाट हैपेंड, शांत रहो ना तुम. हो गया हो गया, इसके बाद भी टाइम मिलेगा तुमको 2 मिनट का, आफ्टर 9 उस पर बात करना. यहाँ ध्यान दो, आई हैवेंट सीन एनी अदर प्लेस. देखो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस पे हमने एज अ सिंगुलर दिखाने के लिए एनी अदर का वर्ड यूज़ किया है. दे हैवेंट विजिटेड एनी अदर प्लेसेस, देखो यहाँ पे प्लुरल के लिए हुआ है. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एनअदर हम लोग सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं जब हमारा क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस रहता है. अदर में भी हम लोग एज अ पॉजिटिव सेंटेंस में प्लुरल यूज़ कर सकते हैं. एनी अदर में क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस में हम वो सिंगुलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज प्लुरल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. अब बात करते हैं फर्स्ट और फॉरमोस्ट. देखो फर्स्ट का मतलब क्या है, ये तुम्हारा ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हो. और फॉरमोस्ट सो इम्पॉर्टेंट, द राम वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट हु अराइव्ड हियर. तो देखो इसमें हमने ऑर्डर पे बात किया, और आई एम द फर्स्ट स्टूडेंट हु सबमिट टेस्ट पेपर. तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस हो गया. इंदिरा गांधी वॉज द फॉरमोस्ट लीडर, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लीडर. अब यहाँ बात करेंगे ड्यू टू और ओइंग टू. तो यहाँ पे देखो ड्यू टू का मतलब क्या होता है, रिजल्ट ऑफ, और ओइंग टू मतलब बिकॉज ऑफ. एग्जाम्पल देखो इसका सेम मीनिंग सेम है, मगर लिखने का तरीका अलग होगा. ही फेल्ड ड्यू टू हिज नेग्लिजेंसी, ओइंग टू नेग्लिजेंसी ही फेल्ड. तो समझ रहे हो ना, पहले ओइंग टू यानी पहले तुम रीजन दोगे, उसके बाद उसका रिजल्ट दिखाओगे. यानी कि नेग्लिजेंसी की वजह से हम फेल हो गए सेकेंड वाला, और हम फेल हो गए क्योंकि नेग्लिजेंसी था. तो दोनों में यही अंतर है. सी लॉस्ट हर जॉब ड्यू टू हर लेजीनेस, ठीक है, ओइंग टू लेजीनेस सी लॉस्ट हर जॉब. ऑप्शन समझ में आ गया होगा. अब बात करेंगे कि क्या क्या नियम है, क्या क्या नियम कायदे हैं एडजेक्टिव के लिए. तो देखो यहाँ पे आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल, गलत हो जाएगा, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, उसके लिए क्या लिखना होगा हमें, आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल्स. और अभी जस्ट मैंने बोला ना कि अदर कैन बी यूज्ड एज अ प्लुरल फॉर्म ऑल्सो. ठीक है, तो इसी तरह देख लेना तुम लोग, सीता इज बेटर देन एनी अदर गर्ल स्टूडेंट. अब बात करेंगे कि हम लोग कभी भी दो कंपेरेटिव सेंटेंस एक साथ नहीं लिख सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखो, ही इज अ मोर वाइजर देन यू, नो यू कांट यूज इट. क्योंकि वाइजर देखो कंपेरेटिव ऑलरेडी है, मोर क्यों लगाओगे, गलत हो जाएगा. तो ही इज अ वाइजर देन यू, ये करेक्ट होगा. आगे जाओ आगे जाओ, नीचे जाओ, दूसरा पेज जाओ. रैदर कैन बी यूज बिफोर कंपेरेटिव, कंपेरेटिव से पहले रैदर यूज कर सकते हो. यू कांट यूज फेयरली, सी इज अ रैदर बेटर टूडे, तो कंपेयर की तरह यूज कर सकते हो. सी इज अ फेयरली बेटर टूडे, ये गलत हो जाएगा. तो रैदर हमेशा देखो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, और फेयरली ये दूसरा कंटेक्स्ट है. मैंने बताया था ना तुम लोग को एडवर्ब में भी, कल बता दूंगा, भूल गया होगा तुम लोग, तुम लोगों का दिमाग उतना अच्छा कहाँ है, सब भूल गया होगा तुम लोग. दूसरा देखो, द वेदर ऑफ बेगूसराय इज रेदर हॉट टूडे. देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो अब हमेशा हमने क्या बोला, देखो पहला तो हमने क्या बोला है कि रेदर और फेयरली दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है. पहला क्या कि रेदर हमेशा हम कंपेरेटिव के सामने यूज़ करते हैं, ठीक है. और दूसरा क्या है कि रेदर और फेयरली एक निगेटिव सेंस में एक पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. ये अलग सेंस है जी, ये सेकेंड एप्लीकेशन है इसका. द वेदर ऑफ बेगूसराय इज हॉट टूडे, रेदर हॉट टूडे, इसका मतलब क्या है कि हम वेदर हॉट होना नहीं चाहते हैं, देखना चाहते हैं. तो वॉट डज इट मीन, ये नेगेटिव सेंस में हम लोगों ने यूज़ किया है. जैसे वेदर ऑफ बेगूसराय इज फेयरली कोल्ड टूडे, ये हो सकता है. क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, ठंडा होना पॉजिटिव होता है. अब दूसरा देख लो यहाँ पे, सुपेरियर है, इन्फेरियर है, एक्सटीरियर है, जूनियर है, ये हमेशा ये यूज़ करोगे तो हमेशा प्रीपोजिशन टू लगाओगे, इज सीनियर टू मी, सो ऑन. आगे बढ़ जाओ,
आगे देख लो कि राम इज स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंट, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जब हम अपने बारे में बोलते हैं, जब हमारा दो क्वालिटीज और कंपेयर करते हैं, तो उस समय किस तरह कंपेयर किया जाता है? उस समय हमारा जो भी तुम्हारा कंपेरेटिव वर्ड है उसे पहले मोर लगाते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हमारा दो ही चीज, हमारा दो जो क्वालिटी है, एक क्वालिटी बेस्ट है दूसरे क्वालिटीज से। तो उस समय हमको वर्ड लगाने होते हैं, मोर वर्ड। देखो वहाँ पे क्या लिखा गया, राम इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंट। तो वो राम का है, दोनों ही क्वालिटी है, उसको कंपेयर कर रहे हैं और जो बेस्ट है उस पर मोर लगा रहे हैं, समझे? राम इज मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट। ऑप्शन समझ में आ गया होगा? तो यानी कि देखो सेकंड सेंटेंस गलत हो गया, थर्ड वन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर नहीं लिख सकते हो, सॉरी स्ट्रॉन्गर। क्यों? क्योंकि वो पहले से कंपेरेटिव है, समझे? इस केस में तुमको कंपेरेटिव बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लगाना पड़ेगा। आखिर पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लगाओगे तो ओवरऑल करोगे तो क्या कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा? मैंने बहुत बार बोला है क्लास में, देखो ठीक है। तो देखो यहाँ पीडी, देखो पॉजिटिव डिग्री हो गया, कंपेयर डिग्री एंड सो ऑन, ये जानते हो तुम लोग। सी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर इंस्टीट्यूट। तो देखो यहाँ पे बेस से पहले हमेशा ही क्या लगता है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा पहले क्या द लगता है, करेक्ट? द या दी, डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन कैसा है तुम लोग का। सेकंड वन देखो, यदि मगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया, यदि डिटरमाइनर आ गया तो क्या होता है, डिटरमाइनर आ गया तो हमेशा वहाँ पे माई आ गया, यू कांट यूज द, बात हो चुका है। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय अमंग देम, लगता है कि तुम ही पढ़ रहा है। पेशेंस नाम का कोई चीज़ ही नहीं है तुम लोग के अंदर, बताओ। इसलिए बता रहे कि बच्चा लोग कम से कम 30 नंबर ला सको, इसलिए मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए। मत तुम लोग को 30 नंबर लाना ही नहीं है 50 में, तुमको तो 40 लाना है सर। ला के दिखा दो, मान जाएंगे तुम्हारा, सब नंबर काट देंगे, देखते रहो ना। तुम पूछेंगे ए, आप मिलेगा बी, सॉरी पढ़ाएंगे ए, पूछेंगे बी, हाँ जेट, समझा? देख लेना वहाँ पे, बहुत खतरनाक क्वेश्चन सेट कर रहे हैं हम, रोज एक एक क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं बाबू। और हम चाहते हैं कि तुम लोग का एवरेज नंबर 15 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, कर रहे अपना हम ड्यूटी कर रहे हैं, क्या कि हम चैन से सो सके रात को। देखो द क्लाइमेट ऑफ बेगूसराय इज हॉटर देन समस्तीपुर, गलत हो जाएगा ये। क्यों? कंपेयर करना पड़ेगा हमें। द क्लाइमेट ऑफ बेगूसराय इज हॉटर देन डैट ऑफ समस्तीपुर, यहाँ पे डैट ऑफ का मतलब क्या, क्लाइमेट ऑफ समस्तीपुर। ठीक है, माई शूज आर बेटर देन योर, ठीक है, तो यहाँ माई शूज आर बेटर देन योर्स होगा। ठीक है, पहला सेंटेंस गलत है, माई शूज आर बेटर देन योर शूज, ये भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो योर्स क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं, कंपेरेटिव डिग्री इज यूज फॉर ओनली टू पर्सन, सही बात है ना? कंपेरेटिव में क्या दो होता है, सुपरलेटिव में क्या होता है, सिस्टम में सबसे एक बेस्ट को निकालते हैं हम लोग। तो देखो विच इज़ बेटर, टी कॉफ़ी और मिल्क, गलत हो जाएगा वहाँ पे। टी और कॉफ़ी में ऑप्शन देना होगा हमें बेटर में। सुपरलेटिव डिग्री जानते हो कि टू के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सुपरलेटिव है, यानी कि सिस्टम में सबसे बेस्ट है। ही इज़ द बेस्ट ऑफ द टू स्टूडेंट, गलत हो जाएगा। ठीक है, विच इज़ द चीपेस्ट, सिल्वर और गोल्ड, गलत हो जाएगा। तो देखो टू सुपरलेटिव डिग्री एक सेंटेंस में यूज़ करना गलत है। जैसे ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑलरेडी तुम्हारा क्या है, सुपरलेटिव है, तो गलत हो जाएगा। सेकंड देख लो, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, इट्स करेक्ट, क्योंकि ऑल में सिस्टम में हमने एक को किसी को स्ट्रॉन्गेस्ट बताया है, सो ऑन। अब दूसरा देखते हैं, टेंथ नंबर देखो, इन केस सुपरलेटिव डिग्री प्लेस ऑलवेज, अब देखो सुपरलेटिव डिग्री की बात हो तो इन यू कैन प्ले हमेशा, हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें हमेशा इन यूज़ करेंगे। दिल्ली इज द डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया, गलत हो जाएगा। दिल्ली इज द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया, देखो ये सब छोटे छोटे चीज है, कंपटीशन में काम आएगा, ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है ना, दिल्ली इज द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया, यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा जी, इन लगेगा प्रीपोजिशन। बहुत सारा सेंटेंसेस तुम्हारा ए मोस्ट इज यूज्ड एज अ वेरी, बहुत सारा चीज में क्या होता है, ए मोस्ट कैन बी यूज्ड एज अ वेरी। देखो दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, समझे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरी होता है इसका मतलब, ए मोस्ट का मतलब है दिस इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्या हुआ, वेरी हो गया यहाँ पे। तो समझ रहे हो ना मोस्ट क्या है, मोस्ट तुम्हारा एज अ सुपरलेटिव में भी तुम यूज कर सकते हो, मोस्ट के साथ ए आ गया, आर्टिकल ए जुड़ गया, तो उस समय वो क्या देगा मीनिंग तुमको, वेरी। आगे देखो 12th नंबर देख लो, व्हेन टू एडजेक्टिव्स कम फॉर सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट वी मस्ट प्लेस इन अ सेम डिग्री। देखो राम इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम, तो यदि हम कंपेयर करें दो क्वालिटी का, एक आदमी का दो क्वालिटी हम सेकेंड आदमी से कंपेयर कर रहे हैं, तो डिग्री सेम होना चाहिए। जैसे राम इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम, डिग्री सेम है ना जी, कंपेरेटिव डिग्री है।
जैसे राम इज वाइज एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम, गलत हो जाएगा? राम इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डिग्री दोनों का अलग है। आई एम मोर ब्यूटीफुल एंड बेटर देन यू, ठीक है, देखते रहना तुम लोग। वन ऑफ द सुपरलेटिव देखो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन आवर क्लास रूम, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब बेस के बाद हम लोग प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, वहाँ से एक स्टूडेंट को निकाला है, बेस्ट स्टूडेंट में भी हमने एक बेस्ट स्टूडेंट को निकाला है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास रूम एक्सेप्ट आरुष, ठीक है ना। यही तो तुमको शुरू से चाहिए था जो बात है ना। अब तुम्हारा बच्चा लोग होगा ना, वो भी देखेगा ये सब। भगवान करे यूट्यूब से कोई चैनल वो ना करे, मेरा डिलीट ना करे, बोला कि देखिए अब मेरा देखो 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 हो गया। कंपेयर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग फॉर्म, देखो यहाँ पे। हाँ देखो, सो इम्पोर्टेंट, देखो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया वर्ड आया कि कंपेयर डिग्री तुम इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। कैसे? द मोर ही गेट्स द मोर ही डिमांड्स, देख रहे हो मोर शब्द किस तरह यूज़ हुआ है। द रिचर अ मैन द बिगर हाउस ही ओन्स, समझे, इस तरह यूज़ कर सकते हो। पूछेंगे बाबू अभी अल्लाह करो ना, निकालेंगे तुम लोग का एग्ज़ाम में हम, ठीक है। अब देखो कंपेरेटिव में इस तरह यूज़ कर सकते हो, ही इज़ गेटिंग रिचर एंड रिचर, ठीक है। द वेदर इज़ गेटिंग कूलर एंड कूलर, अपने बारे में काहे बोलते रहता है तुम, हाँ। द क्लाइमेट इज़ गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, समझ में आ गया ये। अ मच फार बाई फार कैन बी यूज टू गिव इम्पोर्टेंस टू कंपेरेटिव डिग्री, हम कंपेरेटिव डिग्री को इम्पोर्टेंस देने के लिए सब यूज कर सकते हैं। जैसे राम इज मच वाइजर देन श्याम, देखो कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम लोग। द बुक इज बेटर बाई फार, ये भी कंपेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ जाओ, पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव देखो, पोजिशन क्या क्या हो सकता है। हो गया यार, वैक्सीन अभी आया नहीं है, देखो उधर। जनरली एन एडजेक्टिव इज प्लेस बिफोर नाउन, ही इज अ स्मार्ट बॉय, हड्डी ऐसा शरीर है तो हड्डी में ज़्यादा करंट फ्लो होता है ना, जानते हो नहीं जानते हो? वो तो इनबिल्ट छुट्टी काटता है क्या यार। देखो इधर देखो, नहीं मारेंगे नहीं होगा आज, अरे 5 मिनट में कंप्लीट कर देंगे आप। देखो जब भागो बोलना नहीं है, भागो यहाँ से। देखो ए शांत रहो, अब पीक पे करना होगा। देखो यहाँ पे देखो, नंबर वन क्या है कि हम लोग एज अ, शांत रहो, आई हैव ओनली 5 मिनट्स। देखो एडजेक्टिव इज प्लेस बिफोर नाउन, ही इज अ स्मार्ट बॉय हो गया। आप देखो अब जब एडजेक्टिव के बहुत सारे वर्ड हो गए एक साथ, बहुत सारे एडजेक्टिव आएंगे तो देखो इस तरह यूज़ कर सकते हो। सोल्जर उसी के बारे में फेयरलेस है, डिटरमाइंड, यानी कि एक एडजेक्टिव, एक नाउन के लिए 2-3 एडजेक्टिव आ जाएगा तो नाउन पहले प्लेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद बहुत सारे क्वालिटीज प्लेस किए जाएंगे। यहाँ पे देख लो, ही इज़ अ बॉय स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट हु कैन पास द एग्जामिनेशन, ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, यदि इनडिफिनिट प्रोनाउन हो तो उस समय एडजेक्टिव हमेशा प्रोनाउन के बाद में प्लेसमेंट किया जाता है। देखो इज इट समथिंग इंपॉर्टेंट, समथिंग के बाद इंपॉर्टेंट आया कि नहीं आया, पहले इनडिफिनिट प्रोनाउन होगा उसके बाद तुम्हारा एडजेक्टिव आएगा। उसके बाद देख लो फोर्थ केस क्या है, वहाँ पे ध्यान दो। फोर्थ केस क्या है तुम्हारा, अकबर द ग्रेट, नाम के बाद भी तुम्हारा आ सकता है, जैसे लुइस द 16, 14, ये सभी हो सकते हैं। गवर्नर जनरल, गॉड ऑलमाइटी, ये भी हो सकता है। और मैंने हर समय बोला इस क्लास में कि एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड एज अ प्रीडिकेट आल्सो, बताया कि नहीं बताए थे। सी इज अवेकन, सी इज अस्लीप, तो अवेकन क्या हुआ, प्रीडिकेट यूज होगा यहाँ पे। आगे बढ़ जाओ, आगे देख लो, इफ एनी फ्रेज, और यहाँ पे देखो क्या है कि अ मैन वाइजर देन हिज फेलो सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली, तो इसमें हम लोग क्या करें, इफ एनी फ्रेज और वर्ड जो यूज किया जाते हैं तो हमेशा प्लेस करना होता है बाद में, ठीक है। अ मैन वाइजर देन हिज फेलो, अब तो तुम लोग जानता ही है ये पूरी तरीके से एडजेक्टिव यूज है, है ना। बिटन बाय मॉस्किटोज वी कुडंट स्लीप फॉर द होल नाइट, क्या हो गया, एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, सेम तो चीज है यहाँ पे। एडजेक्टिव का फॉर्मेशन देखो कहाँ कहाँ से तुम फॉर्म करोगे, जैसे सिक है तो सिकनेस, नाउन से हम एडजेक्टिव जा रहे हैं, गोल्ड है तो गोल्डन, फुल है तो फुलिश, केयर है तो केयरफुल एंड सो ऑन। वर्ब से भी तुम कर सकते हो, वर्ब है तो क्या है तुम्हारा, देखो वर्ब से कर सकते हैं, यही तो क्वेश्चन पूछ लिए थे तुम लोगों, याद है तुम लोगों को, टायर, टायरिंग, टॉक, टॉकेटिव, मूव एंड मूवेबल। अब इसमें बात यदि हम करें तो इसमें देख लो एडजेक्टिव से एडजेक्टिव भी कर सकते हो तुम, जैसे कलर है तो कलरफुल, ग्रीन है तो ग्रीनिश, होल है तो होलसम, ठीक है। अब डिग्री की बात करेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपेयर डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, देखो क्या है, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, इस तरह बहुत सारा हो सकता है, फैट, फैटर, फैटेस्ट, बिग और बिगेस्ट, बिगर और बिगेस्ट। और लास्ट देख लो, गुड है, बेटर है, बेस्ट है, मच है, मैनी है, तो उसको हम मोर और मोस्ट कर सकते हैं, एंड ऑफ द चैप्टर। चलो